दोस्तों, भूल तो किसी से भी हो सकती है, पर हवाई जहाज के साथ कोई भी भूल बहुत भारी पड़ती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप हवाई सफर कर रहे हैं और आपका एयरप्लेन आसमान में गोते लगा रहा है और अचानक आपको पता लगे कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है, उस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे? यकीनन उस वक्त बहादुर से बहादुर यात्री के भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद आप बस एक ही बात कहेंगे, आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की इस हवाई यात्रा पर। हम कामना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। दिन था 22 जुलाई 1983। हर रोज की तरह कनाडा के एयर कनाडा एयरलाइंस विमान संख्या 143 ने टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ घंटों के सफर के बाद ये विमान टोरंटो से एडमोंटन के एयर बेस पर जाकर उतरा, जहां इसका हर बार की तरह एक मेंटेनेंस चेकअप होना था। मेंटेनेंस चेकअप होने के बाद अगले दिन इस विमान को दोबारा उड़ान भरना था। तो अगले दिन यानी कि 23 जुलाई 1983 को ये जहाज एडमोंटन से उड़ा और मॉन्ट्रियल पहुंचा, जहां पहुंचकर फ्लाइट के सदस्यों ने अपनी जगह बदली और क्रू मेंबर कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और उनके साथी फर्स्ट ऑफिसर मॉरल स्क्विंटल को विमान की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इससे पहले इन दोनों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक सफर पर जाने वाले हैं। कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन को 15,000 और मॉरल स्क्विंटल को 7,000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। दोस्तों, आपको बता दें कि एविएशन इंडस्ट्री में काम के अनुभव को दिनों या महीनों या सालों में नहीं बल्कि घंटों में गिना जाता है। खैर, हम कहानी पर वापस लौटते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद रिफ्यूलिंग टीम को विमान 143 में 22,300 लीटर फ्यूल भरने को कहा गया, मगर रिफ्यूलिंग टीम ने गलती से 22,300 लीटर की जगह 22,300 पाउंड्स फ्यूल भर दिया, जो औसत से बहुत ही कम था। दोस्तों, आप जानना जरूर चाहते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय कनाडा में इंपीरियल यूनिट और मैट्रिक यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल फ्यूल काउंटिंग के लिए होता था। ये वो दौर था जब कनाडा इंपीरियल यूनिट से अपने आप को मैट्रिक यूनिट सिस्टम में अपग्रेड कर रहा था और इसी कारण इतनी बड़ी गलती रिफ्यूलिंग टीम से हो गई, जो एक बड़ी दुर्घटना का कारण भी थी। फ्यूल भरे जाने के बाद फ्लाइट मेंबर ने लापरवाही में फ्यूल लेवल चेक किए बिना ही रिफ्यूलिंग टीम को क्लियरेंस दे दी और फिर विमान ने 61 यात्रियों के साथ एडमोंटो के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के दौरान कैप्टन को सब कुछ ठीक ही लगा, मगर कुछ देर बाद विमान का फ्यूल इंडिकेटर फ्यूल खत्म होने के इशारे करने लगा। इस सिग्नल की ओर पियर्सन का ध्यान जब गया तो उसके होश उड़ गए और वो एकदम हैरान रह गया। उन्हें ये पता चला कि विमान का लेफ्ट इंजन बंद हो चुका है और हालत की नजाकत को समझते हुए उन्होंने जल्दी से कांपते हाथों से कंट्रोल रूम में फोन किया। कंट्रोल रूम ने इस प्लेन का पूरा जायजा लिया और बताया कि प्लेन अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा है और 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और ये भी बताया कि वहां से कुछ ही दूरी पर एक एयरपोर्ट है जहां वो लैंड कर सकते हैं। इन बातों के दौरान ही अचानक विमान के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया, क्योंकि विमान में बिजली का कनेक्शन टरबाइन के घूमने से पैदा हुई बिजली से जुड़ा होता है। इंजन के बंद होने के बाद विमान बैकअप मोड बिजली को इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए बिजली बहुत ही कम बची थी। कैप्टन ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को देखा और वो दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गए कि उन दोनों को ही अब अपनी और अन्य यात्रियों की जान को उस दिन विमान में मौजूद थे बचानी होगी। घबराहट को काबू करके उन्होंने ये ठाना कि वो अंत तक कोशिश करते रहेंगे। तभी उनको ध्यान आया कि इंजन बंद हो जाने के बाद क्या किया जाए। इसके बारे में प्लेन मैनुअल में कुछ न कुछ जरूर लिखा होता है। उन्होंने उस मैनुअल को बहुत ही ध्यान से देखा और पता चला कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इस बारे में उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा है। अब पूरे प्लेन में घबराहट और खौफ का मंजर अपने पैर पसार रहा था। जल्दी जल्दी में सब कुछ देखते हुए कैप्टन पियर्सन ने फैसला किया कि उनको कहीं ना कहीं सुपर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। विमान तेजी से नीचे जा रहा था और ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि विमान किस डायरेक्शन में है और वो कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। तभी किसी तरह उनका कनेक्शन कंट्रोल रूम से फिर हो गया। कंट्रोल रूम ने उन्हें बताया कि वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे गिर रहे हैं। तभी कैप्टन पियर्सन ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को ये कैलकुलेट करने को कहा
कि इस स्पीड से हम इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट तक कितनी देर में पहुंच सकते हैं या पहुंच भी सकते हैं या नहीं। कैलकुलेशन के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने बताया कि हम ऐसे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। पियर्सन को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी फर्स्ट ऑफिसर को ख्याल आया कि यहां से पास में गिमली एयरबेस है जहां हमारा जाना आसान हो पाएगा। पर दोनों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि गिमली की वो जगह जहां ये एयरबेस हुआ करता था वो अब रेसिंग ट्रैक बन चुका है। जब विमान गिमली में पहुंचा उस समय वहां रेसिंग हो रही थी और हजारों लोग वहां स्टेडियम में मौजूद थे जो वहां रेसिंग का मजा लेने आए थे। ये देख कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट मैन को एक और झटका लगा, पर वो वहीं लैंडिंग करने को मजबूर थे। तो कैप्टन पियर्सन रेसिंग ट्रैक पर ही ऐसी जगह देखने लगे जहां वो लैंडिंग कर सके। तभी उन्हें ट्रैक का प्रैक्टिस करने वाला ट्रैक खाली दिखाई दिया और उन्होंने बिना वक्त गवाए प्लेन को उस तरफ ले जाने की कोशिश की। और जैसे ही प्लेन जमीन से संपर्क में आया वैसे ही जल्दी से ब्रेक लगा दिया। सामान्य लैंडिंग के समय हमेशा फ्रंट व्हील को लॉक कर दिया जाता है जिससे एक स्मूथ लैंडिंग हो पाए, मगर इस घटना के समय कैप्टन पियर्सन के फ्रंट व्हील को लॉक करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ और प्लेन का आगे वाला भाग जमीन से जा टकराया, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड बहुत कम हो गई और प्लेन रुक गया। इस तरह एक बड़ी घटना को होने से रोका गया और पूरे 17 मिनट के बाद प्लेन लैंड हुआ। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और इसलिए इस लैंडिंग को गिमली ग्लाइडर के नाम से ख्याति मिली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी घटना में किसकी गलती थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।